अगला सवाल है, अगर कोई मेरी अपेक्षा के मुताबिक काम न करे तो भयंकर क्रोध आ जाता है, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट है आपके सवाल से क्या नहीं करना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आप सोचते होंगे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। क्रोध एक बाय प्रोडक्ट है, जहां अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है कि लोग मेरे मुताबिक चलें, मेरा कहा माने, मेरी आज्ञा का पालन करें, वहां अहंकार है, दूसरों के ऊपर हावी होने की प्रवृत्ति है, और इसकी वजह से फिर क्रोध आता है। हम क्रोध को खत्म करना चाहते हैं बिना यह समझे कि उसकी जड़ कहां है, और तब हम असफल हो जाते हैं। किसी पौधे की टहनी काट दो, फूल पत्तियां काट दो, उसकी कलम हो जाती है, जहां एक शाखा थी वहां चार शाखाएं उग आएंगी, पौधा और घना हो जाएगा। इसी प्रकार हम कई चीजों की बाई प्रोडक्ट्स से लड़ते रहते हैं, उसके रूट काज पे नहीं पहुंचते, उसका मूल क्या है, उसकी जड़ कहां है। अगर हां पौधे की हम जड़ उखाड़ दें फिर ये पौधा नष्ट हो जाएगा। एक एक पत्तियों से निपटने की जरूरत नहीं है, शाखाओं को काटने से कुछ ना होगा, वो तो आप करते ही आ रहे होगे, और साधु संन्यासी मिल जाएंगे जो कसम दिलवाएंगे तुम्हें, कसम खा लो कि आप क्रोध नहीं करोगे। ऐसी कसमें भी 10-20 बार खा चुके होगे, तुम्हें भली भांति पता उससे कुछ नहीं होता, जड़ तो अपनी जगह कायम है। वो जड़ क्या है? ये अहंकार कि लोग मेरी मर्जी के मुताबिक चलें, मेरा कहा माने, यह है अपेक्षा, यह है एक्सपेक्टेशन, यह है असली जड़। आप कौन हैं? दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं, क्यों लोग आपकी बात माने? थोड़ा सा विचार करें, आप किस किस की बात मानते हो? चलो ज्यादा नहीं, आपके परिवार में पत्नी और मां तो होंगी, दोनों की बात मान के बता दो आप। अभी पीछे में कोई मुझसे पूछ रहा था, कबीर साहब का वचन कि दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोए, इसका क्या अर्थ है? जो पूछ रहा था वो हाई स्कूल का स्टूडेंट था, मैंने कहा तुम्हारे काम का नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये बात किसी शादीशुदा व्यक्ति को कही गई है। माँ और पत्नी दो पहाड़ हैं, इनका भी तुमको आ रहे हो तुम्हें समझ नहीं आएगा, एक 5-7 साल बाद समझ में आएगा कि कबीर किसको देख कर रोए थे, किसी विवाहित शिष्य को देख कर रोए थे। तुम 7.5 अरब लोगों की बात छोड़ो, तुम दो लोगों की बात मान के बता दो, असंभव है। तुम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जियोगे, तुम चाहो भी मानना तो नहीं मान सकते, कुछ अंश तक मान पाओगे बस, ये असंभव है। और अगर मजबूरी में मानोगे तो तुम्हारे भीतर बहुत क्रोध इकट्ठा होता जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ, तुम उसके दुश्मन होते जाओगे जिसकी मजबूरी में माननी पड़ रही है, और आज नहीं कल तुम उसका बदला लोगे। हर व्यक्ति के भीतर चेतना है, उसकी अपनी अंतः प्रेरणा है, उसके अपनी इंट्यूशन है, उसके भीतर अपनी इंस्टिंक्ट्स हैं, वो उसके अनुसार जिएगा, हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है। हाँ, आप अपनी बात कहें जरूर, उसके पक्ष में क्या तर्क हैं वो बताएं, और साथ में यही भी कहें कि जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वैसा बता रहा हूं, लेकिन मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि आप मेरी बात मानो। जब आप विनम्रतापूर्वक ऐसा कहेंगे तो 50-60% संभावना बनती है कि शायद सामने वाला आपकी बात को स्वीकारे, विचारे और शायद वैसा करे। ये उसकी मौज पर छोड़ दो, उसके पीछे ना पड़ो, इस ढंग से जियो, और तब क्रोध समाप्त हो जाएगा।